आज मैं आप सबके लिए पकाने वाली हूँ अचारी सत्तू रोटी। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से पकाएं। सबसे पहले हम लोग मसाले की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का अनियन ले लिया है, 5 ग्राम धनिया का पत्ता ले लिया है, 2 हरी मिर्च लिया है। बाकी के जो मिर्च आप देख रहे हैं इसको हम थाली में परोसने के टाइम यूज करेंगे। तो इसको काट के, बारीक काट के इसको फाइन चॉप कर लेना है। तो आइए हम लोग कर लेते हैं। देख सकते हैं हम यहाँ पे चॉपर की मदद से अच्छे से इसको बारीक से काट रहे हैं। आप इसको हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, बट आप अगर इस चॉपर का यूज करें तो ये फाइन होगा। ये फाइन चॉप ही हमें चाहिए। तो इसे बस अच्छे से चॉप कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक फाइन चॉप बना लिया है, जो हमारे ग्रीन चिली, अनियन और धनिया का पत्ता था। अब यहाँ पे हम लोग कुछ मसाले का ऐड करेंगे, जैसे कि सॉल्ट। यहाँ पे मैं छोटे चम्मच के 2 चम्मच सॉल्ट यूज कर रही हूँ। अजवाइन 1 छोटी चम्मच, जो कि हमारे डिश के नाम अचारी सत्तू रोटी है, तो इसीलिए हम लोग 1 चम्मच, आपके पास अगर अचार रहे तो उसका मसाला आप जरूर यूज करें। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच अचार का मसाला यूज किया है। और अगर आपको, आपके पास नहीं है तो आप आमचूर पाउडर या नींबू का भी यूज कर सकते हैं। एक छोटा कटोरी सत्तू लिया है, अब इसको थोड़े से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे कच्चा सरसों का तेल लेंगे हम लोग 1 चम्मच, 1 टीस्पून होने से ही होगा, ताकि इसमें एक जो सरसों का तेल का फ्लेवर से वो अच्छे से उभर गया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारे मसाला अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसमें सॉल्ट या तीखापन अच्छा से आया या नहीं। तो मैं थोड़ा सा टेस्ट कर रही हूँ। हमारा जो मसाला है बहुत ही टेस्टी बना है, खट्टे मीठे मजेदार। तो आइए अब हम लोग आटा गूंथ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 कप आटा लिया है। अब इसमें हमें सॉल्ट देना है, तो बस ज्यादा नहीं, छोटे चम्मच की फुल चम्मच सॉल्ट। आधी चम्मच चीनी, बस इसे अब हमें अच्छे से गूंदना है। पहले आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, देन इसको अच्छे से गूंदिए। आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें, आटा को गूंदने के बाद आप 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट करने दे दें, ताकि ये आटा फूल के तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं हमारे जो ये आटा है ये गुन के तैयार है। मैंने इसको अच्छे से गुन लिया है। अब इसको मैं 15 मिनट्स के लिए किसी जगह पे कवर करके छोड़ दूंगी, तभी आटा फूल के तैयार हो जाएगा। तो हमारा जो ये आटा है तैयार है, चलिए इसे ढक के देख सकते हैं हमारे आटा फूल के तैयार है। अब हम लोग इसका छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं, फिर जो मसाले हमने बनाए हैं उसको इसमें स्टफ कर लेंगे अच्छे से। तो आइए इसका पेड़े बनाते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी सूखी आटे चाहिए हमके। मैंने ये थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया है, अब इसको छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं। आप हमेशा आटा को लेके उसको इनसाइड ऐसे मोल्ड करते रहिए, तब आपके जो पेड़े हैं वो बिल्कुल गोल आकार ले लेगा। तो
आप दे सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे फेड़े हैं वो बन के तैयार है, और इसमें थोड़ी सी सूखा आटा लगा के हम इसको बस इसी तरह घुमाते जाएंगे। अब इसमें जो मसाला है हम इसको इसमें स्टफ करते हैं। आप अच्छे से ज्यादा करके मसाले लीजिए और इसको अच्छे से बिठाने के बाद इसको मुंह को बंद कर दीजिए। फिर से इसको थोड़ी सी सूखा आटा लगाइए, अब इसको थोड़ा घुमा लीजिए। अब हम लोग इसको हल्का हाथों से बेल लेंगे। तो अब हम रोटी को अच्छे से हल्का हाथ से इसको प्रेस करके धीरे धीरे बेलेंगे। रोटी बेल के तैयार है, देखिए अच्छे से। यहाँ पे मैंने एक तवा को गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। तवा थोड़ी सी गरम हो जाए, अब हम लोग रोटी को डालते हैं। ये दूसरे साइड से थोड़ा पकने लगा है, यहाँ पे हम लोग उलट देंगे इसको। अब इसको अच्छे से घुमा घुमा के आपको सेकना है। इसी तरह आप घुमा घुमा के इसको अच्छे से सेक लीजिए। अब आप देख सकते हैं हमारी जो ये रोटी है ये दूसरी तरह से भी पूरी तरह से सेक चुका है। अब यहाँ पे हम इसको इस साइड से फिर से उलट देंगे। अब कुछ नहीं, एक कपड़े की मदद से बस इसके वेपर जो निकल रहा है इसको बस हमें रोकना है। आप देखिएगा आपकी रोटी फूल के, देखिए फूल के तैयार है। तो हम लोग इसी तरह दूसरी रोटी भी सेक लेते हैं। एक तरफ सेक गया है, अब दूसरी तरफ उलट दिए। आप इसी तरह घुमा घुमा के इसको अच्छे से सेक लीजिए। रोटी दूसरी तरफ से पूरा तरह से देखिए अच्छे से सिक चुका है। अब इसको उलट देते, देखिए कितने अच्छे इसमें कलर आया है। अब इसको बस हमें थोड़े दबा लेना है। तो यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है करीबन 2 चम्मच। बस कुछ नहीं, गर्मा गर्म इसे बनाइए और देसी घी इस पे अच्छे से मल दीजिए चम्मच से इस तरह। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रहा है। यहाँ पे इस तरह बस आप इसको देसी घी लगा के खट्टे दही थोड़ी सी गुड़, ये रहा हमारा अनियन और ये हरी मिर्च। फ्रेंड्स आपको अगर मेरे बनाए हुए ये डिश अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें।